मर गया। इस हफ्ते का मेरा चेक 1000 का है, उसे मालूम नहीं जिसको बता रहा उसका 0 है। मैंने उसका बोला सब टेम्परेरी है, डोंट वरी, आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। उसे मानो नहीं घर में अंधेरा ही गुप्त है पहले से। लेकिन मैंने उनको समझा दिया। और तो उस समय शादी हो गई तो अपलाइन में नरसिंह ग्रेवाल जी थे, ओम प्रकाश जी थे, जैन साहब, चतुर्वेदी साहब, तो ये देख रहे थे शादी हो गई है इस बंदे की। और फिर भी मैं उस समय पर दिल्ली में कमरा लेके रह रहा था, रेंट पर रह रहा था, उधर ही काम कर रहा था दिल्ली में। तो बोले ये घर पर नहीं आता है, भागदौड़ करता रहता है, और बोलो चलो इसको पकड़ के एक हनीमून ट्रिप बना के दे देते हैं। तो मेरे को उधार की स्पॉन्सर करके सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, किसी ने फ्लाइट के लिए पैसे दिए, किसी ने होटल के लिए पैसे दिए, किसी ने आने जाने के लिए, किसी ने शॉपिंग के लिए, ऐसे करके। और मैं बहुत मना कर रहा था, मैं बोला उसमें एक हफ्ता निकल जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा, और इधर तो एक हफ्ते में तो मैं बहुत ड्यूटी भेज दूंगा, बहुत काम करना है, नीचे शुरुआत ही मैंने की थी। तो फिर भी वो लोग माने नहीं, और जबरदस्ती आप मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, ऐसी सिचुएशन में मेरे को गोवा भेज दिया इन्होंने फ्लाइट से सब लोगों ने। और उस समय को मैं याद करता हूं। और एक बड़ी सिचुएशन और मैं बताऊंगा कि हमारी मैडम शादी होकर आई और उन्होंने बोली कि मैंने कभी भी, मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि मैं अपने घर पे मम्मी पापा के चक्कर में कभी जींस नहीं पहन पाई, और मेरे दिल में बड़ी तमन्ना है कि मेरे को जींस और टी शर्ट पहननी है, और गोवा में मौका मिला है तो इधर तो पहना ही दो। तो मैंने पहले ही बोला था भाई मैं बातचीत करने आया हूं, ट्रेनिंग रहने कोई लफड़ा नहीं अपना। और ट्रेनर ट्रेनिंग कहीं लेनी हो तो जाना कहीं पहाड़ वहाड़ पे, वहां पर सही अपने रही है। तो हुआ क्या, मैं बोला यार, मैंने अपना जेब में हाथ डाला, मैं कहा इसमें लौट जाएंगे के कम में, तो ये आप यकीन नहीं करोगे, ये मैडम मेरे कपड़े पहन करके यहां पर, ये जींस मेरी है और ये टी शर्ट मेरी है। मैं बोला यहां पर किसी को क्या पता कि मेरे हैं, ठीक है। और तो मैंने अभी इधर कल आने से पहले मैडम को फोटो दिखाया, मेरी फोटो याद है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए इस फोटो को देख करके। बोले हम क्या, वो समय भी था। और तो उस समय उधार के पैसे इकट्ठे करके और कैसे करके हम वहां पर गए थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, काम करने की तमन्ना है, कल वृक्ष घर में है। अब वही मैडम और हम लोग अमेरिका के लिए फ्लाइट बुक हो चुकी है, अमेरिका जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, अभी यूएसए ट्रिप। इससे महंगा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे महंगा कुछ नहीं हो सकता। मैं बोला कितना खर्चा होगा, बोला 10 लाख रुपए होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक ही महीने का है, कितने का है, एक ही महीने का है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखो जो ड्रीम हो भी है, जो भी है, आप देखो अभी वही मैडम को ये बेटा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, खुश है कि नहीं मैडम, दिखाई दे रही है, खुश दिख रही है, सिक्योर लाइफ की वजह से खुश हो रही है, मेरी वजह से हो रही है, सिक्योर लाइफ की वजह से खुश दिख रही है अभी। हाँ, क्या लगता होगा इनके दिल में, क्या लगता हो, जब भी दिल से आवाज निकलती होगी तो क्या निकलती होगी, कि हर घर में हो सिक्योर लाइफ, है कि नहीं है, हर घर में खुशियां आए, जिंदगी ऐसे बदल जाती है। तो ये मैंने थोड़ा अपने बारे में बताया कि किस प्रोफाइल से निकले। और उस वही बंदे के पास में जो एक जींस खरीदने के लिए 250 रुपए नहीं थे, 250 रुपए की गोवा में फुटपाथ से एक जींस खरीद सके, उसके लिए पैसे नहीं थे। अभी वो सूट की कीमत भी 1.5 लाख रुपए रहती है, ये देख सकते हो आप, जॉर्जियो अरमानी दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड है, इस ब्रांड को हम पहनते हैं। मैडम अगर 1 लाख रुपए की ड्रेस खरीदना चाहे 1 मिनट में खरीद के ले आती है, टेंशन फ्री है। एटीएम में इतना पैसा है कि खर्च करो तो खर्च होता नहीं है, आता ही इतना ज्यादा है, क्या करोगे, प्लानिंग करनी पड़ती है, करो खर्च, करो खर्च, करो खर्च, खर्च करो यार, बहुत पैसा आता है, सही है। तो पूरी जिंदगी से बदल दी है। दूसरों की तरह अगर मैं भी ढिंढोरा पीटता रहता कि शादी में मिली है, सरकारी नौकरी है, मेरे को भी ससुराल से सहायता प्राप्त होनी चाहिए, कुछ धनराशि मिलनी चाहिए, है एक मौका मेरे पास में यह था, कौन सा, ये वाला, और अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी पे चढ़वा लेता ससुराल से सहायता प्राप्त, हैं, स्पॉन्सर की हुई। और एक तो मौका मेरे पास ये था, और दूसरा मौका मेरे पास ये था कि बढ़िया काम करके और 1.5 लाख के खुद भी पहने और मैडम को भी पहनाएं और बच्चों को ड्रीम मुकाम पर पहुंचाएं।
और अपने साथ में काम करने वाले लोगों को भी आगे बढ़ाएं। मौका भगवान ने दिया था, इसमें मैंने किया तो ये डिसीजन मेरा था, और भाग जाता वो भी डिसीजन मेरा ही होता है दोस्त। काम करने के लिए कोई भी आपको खींचेगा नहीं, और भगाने के लिए भी कोई आपके पास आएगा नहीं। सारा का सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका डिसीजन क्या है। कोई ऐसी चीज है कि नहीं है जो आपके रोंगटे खड़े करती है, जो आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए, दौड़ाने के लिए, पसीना बहाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, 18 घंटे काम करने के लिए। कोई ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है? दुनिया में कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती डायमंड बनने से, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई चीज चाहिए ये बैंकॉक में गए थे हम, फर्स्ट ट्रिप, कंपनी की पहली ट्रिप ही गई थी। पूरी कंपनी से पहले कभी विदेश यात्रा हुई नहीं थी, पूरी सिक्योर लाइफ की पहली जो विदेश की ट्रिप हुई थी बैंकॉक की, उसमें ये टीम गई थी। रेश वर्मा जी, ओम प्रकाश जी, ये सब लीडर्स थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें जितने भी अचीवर गए थे सबसे छोटे लेवल पर मैं था, इसमें सबसे छोटे लेवल पर मैं था, सबसे कम अचीवमेंट मेरा था। और इस फोटो कल मैंने ध्यान से देखा इधर, तो आपको मालूम है अप्लायनों को, डायरेक्टर्स को छोड़ करके, अप्लायनों को और डायरेक्टर्स को छोड़ करके बाकी अगर मैं किसी से कंपेयर करता हूं तो आज कोई भी बंदा इसमें क्राउन नहीं है। इसमें उठाकर देखते हैं, एक दशरथ जी हैं, इनसे भी ज्यादा टीम अपनी हो चुकी है, हमारी अप्लायन ने बताया, हमें नहीं मालूम था। और ये बंदा था उस समय पर रूबी था, ये 80,000 के चेक आते थे, ये भी रूबी था, और ये बंदा भी बहुत तगड़ा काम करता था। लेकिन इसमें से हम देखते हैं कि कईयों का मेरे को पता ही नहीं कोई डायमंड है या बना या डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड है। बाकी आपके सामने बंदा खड़ा हुआ है जो 3.5 लाख की टीम है, 2 लाख रुपया आता है, न बल्कि उसकी टीम में, बल्कि डाउनलाइन में लाइन लगा करके लोग आ रहे हैं सिर्फ अपने काम करने की वजह से। मैं आपको कोई भी चीज सिर्फ आंख बंद करके नहीं बताएंगे, साक्ष्य के साथ, प्रूफ के साथ आपके सामने सारी चीजें हैं। लेकिन इसके पीछे अगर ये टीम बनी या सब कुछ भी हुआ तो आप देखेंगे सबसे गरीब आई वाली हालत भी आपको मेरी दिखाई दे रही होगी, सबसे खराब कपड़े पहने हुए हम, सबसे सस्ते। लेकिन कोई मैटर नहीं करता, आपकी पोजीशन आज क्या है मैटर करती ही नहीं है। आपकी पीठ भारी है, आपके पीछे सिक्योर लाइफ है, आप कोई सी भी पोजीशन अचीव कर सकते हो, ड्रीम मुकाम भी हासिल कर सकते हो, कोई सी पोजीशन अचीव कर सकते हो। मैं अकेला गया था फॉरेन ट्रिप पे, मेरे को बहुत अच्छी पसंद आई। और आप देखेंगे ये लास्ट टाइम एक फोटो है जहां पर हम सभी लोग स्टार क्रूज पे सिंगापुर और मलेशिया, दो कंट्री की विजिट की थी, और अपनी पूरी टीम है, जहां पर ढेर सारे लीडर्स गए थे। हमारे जो कंपनी के टॉप अचीवर है संजय जैन जी, उनका सपना है कि वो 1000 डायमंड के साथ में वो स्टार क्रूज पर पूरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए जाना चाहते हैं। उन्होंने विजन देखा, सपना देखा, और हमको लगा ये साकार हो सकता है। तो हमको सबको भरोसा दिलाने के लिए हमको एक बार घुमा के भी दिखाया, उन्होंने लेके गए तो हमको सिर्फ दो कंट्री घुमाए, सिंगापुर और मलेशिया। लेकिन उनका सपना है वर्ल्ड टूर का, किसका? वर्ल्ड टूर का। और 1000 डायमंड्स के साथ, कितने के साथ? 1000 डायमंड्स के साथ। और संजय जैन सर के 250 डायमंड कंप्लीट हो चुके हैं, कितने? 250 डायमंड कंप्लीट हो चुके हैं पिछले 15 साल में, 250 डायमंड। तो इसका मतलब अगले 250 डायमंड बनने 15 साल और लगेंगे। अरे मैथ की कैलकुलेशन तो यही बोलती है, 15 साल में 250, तो अगले 15 साल में 250 नहीं। अभी मीटिंग में घुसने से पहले आप ही के लीडर संजीव जी बोल रहे थे, सर 12 तो मेरे ही होंगे। मैं बोला यार 12 आपके होंगे, इस हिसाब से तो हमारे ज्यादा ही हो जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है? संजय जैन जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो जितने 15 साल में बने उतने अगले साल बन जाएंगे, 2016 में बन जाएंगे। सही है। और तो 250 हो गए, और 250 बन जाएंगे 2017 में तो 750.5, और 250 बन जाएंगे 2018 में तो करीब करीब अक्टूबर नवंबर के आसपास 2018 में ये स्टार क्रूज 1000 डायमंड के साथ वर्ल्ड टूर पे जाएगा, यानी आज से करीब 3 साल बाद। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या आप में से भी कोई व्यक्ति चलना पसंद करेगा क्या? नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। ऐसे जब बारात थोड़ी ना मेरी, बारात तो मेरी हो चुकी पहले ही, बारात नहीं है, जैन साहब की बारात थोड़ी है, डायमंड बन के जाना है आज से 3.5 साल बाद। ग्रेट, जोरदार ताड़ियां होनी चाहिए, डिच्चू डिच्चू वाली, बहुत बढ़िया, एंजॉय करिएगा सभी लोग।
उसमें एक खास बात और है कि डायमंड अपनी मैडम के साथ में जाएंगे विद फैमिली। अच्छा भाई ध्यान रखना, मैडम अपनी होनी चाहिए। दूसरी जगह से 30-40-50 जाते हैं, जैन साहब का सपने पूरा करेंगे तो पूरा तो बुक हो ही जाएगा। 1000 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, जब 1000 पूरा पूरा हम ही बुक कर लेंगे तो बाहर का कोई बंदा तो रहेगा नहीं। ओनली डायमंड ऑफ सिक्योर लाइफ ऑफ ट्रिपल एस, सही है। तो इसका 10 मिनट का जो वीडियो बनेगा और उस वीडियो को अगर FIM पे आप चलाओगे तो ड्यूटियां बरसेंगी कि नहीं बरसेंगी? तो बहुत जल्दी तैयारी कर लीजिए और मेरी ओर से शुभकामनाएं। मुझे मालूम है कि आप लोग जल्दी सर का 2018 का टारगेट है कि 2017 में पूरा ना हो जाएगा हैं। आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ऐसे करके ये स्टार क्रूज पे कुछ लोग गए और आगे भी जाने वाले हैं, और मैं अपने कुछ अचीवमेंट आपको शेयर कर रहा हूं कैसे कैसे सिक्योर लाइफ ने हमको अचीवमेंट दिए। अगर हम अपनी टीम से आज अगर बात करते हैं तो सिल्वर स्टार लेवल के अगर एक्टिव लीडर्स को छांटेंगे, सिल्वर स्टार लेवल के अगर वो भी सारे नहीं सिर्फ जो काम कर रहे हैं एक्टिव सिल्वर स्टार एंड अबव लीडर्स को छांटते हैं, तो आज उनसे 5000 लोगों का कोई भी स्टेडियम या ऑडिटोरियम भर सकता है। 5000 लोगों की स्ट्रेंथ, आज इतने एक्टिव लीडर्स हैं जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ लीडर्स के फोटो हैं जो आपको मैंने शेयर किए। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा अचीवमेंट दिखाने जा रहा हूं जिसको देख करके यहां बैठे हुए हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अब तक तो मैंने बताया गाड़ी घोड़ा इन सब चीजों के बारे में, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप में से हर एक आदमी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं और ये आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला है। मैंने जब सिक्योर लाइफ की शुरुआत की तो मैं आगरा में ही था, आगरा में ही मेरे मिलने वाले थे रिश्तेदार, मिलने वाले जो भी आगरा में थे। आगरा से बाहर मैं किसी को जानता नहीं था और मुझे लगता नहीं था कि आगरा से बाहर मेरा काम कभी चल सकता है क्योंकि मेरा कहीं कोई लिंक नहीं था। लेकिन ये बिजनेस तो उड़ता है हमारी सोच से परे, हम जितना जानते हैं और जितना मानते हैं उससे कई गुना ज्यादा चलता है ये बिजनेस, और हमारी सोच से परे हुआ काम, हुआ हमारी सोच से परे। मैंने आगरा में रहकर काम करने की शुरुआत की, शुरू से ही मेरे चारों अपलाइनों का मेरे ऊपर हाथ था और सिस्टम जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम था उसकी गाइडलाइन को हमने माना और मानने का प्रयास किया। प्रयास करने की वजह से क्या हुआ चमत्कार आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। मैंने काम करने की शुरुआत की उत्तर प्रदेश में आगरा से, और शुरुआत होते होते क्या आज 12 साल में क्या अचीवमेंट है मैं एक एक करके दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख रहे हैं इंडिया का नक्शा बना हुआ है साइड से और एक तरफ से शुरुआत कर रहे हैं, सही है। तो सबसे पहली स्टेट है JNK जम्मू कश्मीर, ऊपर से शुरू कर रहे हैं। यहां पर दिखाएगा इंडिया के कौन सी जगह पर वो स्टेट आती है, यहां दिखाता जाएगा और वो यहां मैप बना हुआ है। तो जम्मू कश्मीर जी का मैं अगर ऊपर से शुरुआत करते हैं तो प्रेजेंट में हमारी, मैंने जसवीर जी से फोटो मांगे थे, सर से बातचीत हुई तो वहां पर ऑलरेडी हमारी टीम काम कर रही है। साक्ष्य के लिए आप ही के सामने सर बताएंगे कि JNK में हमारी टीम है तो कितनी है। सर जसवीर जी 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 700 लोगों की टीम जसवीर जी की है और करीब 500 लोगों की टीम हमारी और अदर भी है, करीब करीब 1200-1250 टाइगर्स जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। जम्मू कश्मीर को हमने नाप दिया, मतलब मैं कहां था आगरा में, मैं जम्मू कश्मीर अभी तक गया नहीं हूं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं जम्मू कश्मीर गया नहीं, एक बार भी नहीं गया हूं। और मुझे पूछना पड़ रहा है
कि हमारी टीम है क्या वहां पर? तो सर बता रहे हैं हाँ हाँ है, 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 1200 की टीम है। और आप प्रूफ के लिए यहीं से देख लेते हैं आप लोगों की कितनी मीटिंग की है मैंने, जैसे अभी जसवीर जी बता भी रहे थे। प्रैक्टिकल रूप में अगर बात करें तो आप लोगों की मीटिंग कितनी की है? टोटल डायमंड बनने तक लाल बहादुर शर्मा जी की टीम में 2-3 बार आया हूं मैं, और 2-3 से ज्यादा डायमंड हैं। सिर्फ 2-3 बार मीटिंग की है, इससे ज्यादा मैं आया नहीं। उसके बावजूद इतना बड़ा काम हो गया है, और कई सारी ऐसी स्टेट है जहां पर मैं गया नहीं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम हो गया। आप अपना भविष्य देखने का प्रयास करिए, आपका आने वाला भविष्य क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद में देखिए जम्मू कश्मीर से नीचे उतरे हिमाचल, हिमाचल हिमाचल में हिमाचल में मेरे को पता चला टीम साइज हमारी करीब 1000 लोगों की टीम है। कितनी है? 1000 की टीम है। इसके बाद में पंजाब, पंजाब में ये रूबी लीडर है प्रदीप, लुधियाना में रहकर काम कर रहे हैं, सिटी होस्ट हैं, एमराल्ड लेवल बन चुके हैं। अशोक यादव है अमृतसर से, ये एमराल्ड बन चुके हैं। दो एमराल्ड हैं और अगले साल में डायमंड बन जाएंगे दोनों 2016 के अंदर, यानी पंजाब में भी दो डायमंड हमारे तैयार हो गए है ना, ये पंजाब में। और पंजाब में अभी तक एक बार भी नहीं गया, एक भी मीटिंग मैंने नहीं की अभी तक। इसके अलावा ये यहां से उतरे नीचे हरियाणा, तो हरियाणा की बात करते हैं तो आप लोग खुद बताओगे हरियाणा में हमारी टीम है कि नहीं है। हरियाणा वाले कितने हैं यहां पर? अब मैं क्या करूं, मेरे पास फोटो ही नहीं आप लोगों के, देखो फोटो नहीं डाला है कि नहीं है, लेकिन टीम है कि नहीं है? Yes! है कि नहीं है? Yes! कितनी टीम है? आप लोगों के 4-5 बहनों चलते हैं और आप लोगों के अलावा भी टीम है, तो मेरे को लगता है करीब 4 से 5 हजार लोगों की टीम हमारी हरियाणा में भी है। तान दिया आप लोगों ने टाइगरों ने, सही है। सतवीर जी की टीम भी है, आप लोगों के अलावा भी टीम है। इसके अलावा बात करते हैं, उसके बाद नीचे उतरे राजस्थान, तो राजस्थान में जोधपुर में डायमंड है एक, जयपुर में एमराल्ड है, सवाई माधोपुर में एक डायमंड है, सीकर में भी एक एमराल्ड है। ये वाईएस राठौर डायमंड बन चुके हैं, ये रूबी बन चुके हैं, और ये रूबी है डायमंड की रिकॉग्निशन है जनवरी में इनकी। राजस्थान में 3 डायमंड हमने तैयार कर दिए। इसके अलावा बात करते हैं फिर यहां के गुजरात, तो गुजरात में ऑलरेडी ये डायमंड बन चुके हैं मिलन ओडेरा, और कई सारे रूबी, कई सारे एमराल्ड, कई सारे टुबाज हैं। और इसके अलावा मेहसाणा, बड़ोदरा, अहमदाबाद में लाइन लगा के काम चल रहा है। ये तो मेरी नॉलेज में, बाकी कई सारे ऐसे नेटवर्क है जो मेरी नॉलेज में भी नहीं है। इसके अलावा फिर उत्तराखंड में आए, देखिए इंडिया के नक्शे को देखते रहिए, उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड में देहरादून में एक एमराल्ड लीडर है, हेमंत चौधरी है के काम कर रहा है, मंसूरी में काम चल रहा है, काशीपुर में चल रहा है, नैनीताल में चल रहा है, काठगोदाम में चल रहा है। ढेर सारे लीडर्स हैं जो मेरी नॉलेज में भी नहीं है, मेरे पास फोटो भी नहीं है उनके डालूं। आप बनो अलग अलग स्टेट में, पूरे इंडिया में घूम घूम के दिखाऊंगा, ये मेरा टाइगर पंजाब का है, ये मेरा देहरादून का है, ये मेरा JNK का है। बनते जाओ, पोस्ट होने के लिए यहां पर तैयार है। इसके अलावा ये ऊपर से कुछ हो रहा है लेंस के लिए, अच्छा बहुत बढ़िया। इसके अलावा बात आते हैं सेंटर में आगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ये शर्मा जी हैं, पी मध्य प्रदेश में विनोद राठौर हैं जो डबल डायमंड बनने वाले हैं, ये लड़का है दिनेश अग्रवाल, ये डायमंड बनने वाला है, शर्मा जी डायमंड होने वाले हैं, और ये संतोष अग्रवाल ऑलरेडी डायमंड हो चुके हैं। इनकी 20 दिसंबर को JP पैलेस में इनकी प्रमोशन हो रही है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 हमारे डायमंड हैं, जो MP से हमने 4 डायमंड निकाल लिए। मैं 4 लोग ज्वाइन है ये बात नहीं कर रहा, डायमंड्स की बात कर रहा हूं। 4 डायमंड हमारे मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। इसके अलावा भोपाल वगैरह में भी काम चल रहा है, ढेर सारे लीडर्स वहां पर हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बालचंद काले है, पुणे में रहकर काम कर रहे हैं टोबाज लेवल पर, और मुंबई में भी काम चल रहा है, और ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर काम चल रहा है, अहमदनगर में भी काम चल रहा है। कितनी टीम है सर अहमदनगर में? 125 लोग आए थे, मैंने अभी लीडर्स मीटिंग की थी, 125 तो लीडर्स आए थे वहां से सिल्वर एंड अबव, तो वहां पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं
थैंक यू। तो यूपी में तो लाइन ही लग गई मेरे भाई, कोई काउंटिंग नहीं है, स्लाइड पे स्लाइड बदलनी पड़ रही है। देखो ये उत्तर प्रदेश, ये मेरे मैं उत्तर प्रदेश आगरा में, मेरे के कोने में कोई पूछने वाला नहीं था, जानने वाला नहीं था, उसके बावजूद भी बनी टीम। विजयपाल जी ने कंधे से कंधा मिलाया, खुद क्राउन बने और इसके बाद में जसवीर जी जो क्राउन बनने वाले हैं अगले एक डेढ़ महीने के अंदर। इसके अलावा फौजी साहब शिव कुमार शर्मा जी जो मर्करी लेवल पर हैं। इसके अलावा शैलेंद्र जी, लाल बहादुर शर्मा जी, लाल बहादुर शर्मा जी का फोटो गायब कर दिया है, मेरा दोनों कर दिया है। इसके अलावा अजय राजपूत जी, सत्येंद्र प्रसाद जी, है ना, डायमंडों की लाइन लगी पड़ी है, सत्य प्रकाश, राहुल सारस्वत, नितिन सारस्वत, ये दोनों भाई हैं। इन दोनों भाइयों ने ऐसा धमाका मचाया, पूरे इंडिया में रेल बना दी है, दोनों भाइयों ने मिलकर काम करने की शुरुआत की। इसके अलावा विकास यादव जी, शैलेंद्र जी, ओमवीर सिंह, आरबी पाल, कृष्णपाल जी, आपके चहेते लीडर उत्तर प्रदेश, राजेश मिश्रा, राकेश प्रसाद, मुनेन्द्र कुमार वर्मा, महेश चंद, रवि कुमार, हरिंदर सिंह, डीवी पाल, परशुराम, दीपक कुमार शर्मा, बलवंत सिंह, अवधेश, शिवानंद मिश्रा, घनश्याम यादव, ब्रजभूषण यादव, ये अमित कुमार यादव। इसके अलावा यादवों ने भी लाइन लगा रखी है और जाटों ने तो राजेश मिश्रा, ये पंडित भाई भी बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये रणवीर सिंह जो लाइन लगा कर, सत्यवीर सिंह। इसके अलावा प्रमोद यादव, मनीष कुमार, राकेश सैनी, अलीगढ़, ये रूबी अलीगढ़ से, इसका नाम ही नहीं मालूम मेरे को, क्या नाम इनका, मेरे को दिख नहीं है। अच्छा डिगेंद्र सिंह, देखो डायमंड बन गए, मेरे को नाम तक पता नहीं है, सही है। इसके अलावा डायमंड रणवीर सिंह और नेम सिंह, अशोक कुमार, सत्यवीर सिंह, लाइन लगाकर ये डायमंड बनते चले जा रहे हैं। एक और है साला पार्टी, रणवीर सिंह। और इसके अलावा फिर ये उत्तर प्रदेश के बाद में ये रहा इंडिया, उत्तर प्रदेश के बगल में इधर आ गए, यहां पर बिहार, ये रहा बिहार, बिहार। और बिहार में अजय पंडित डबल डायमंड, शंभू कुमार डायमंड, और ये जयप्रकाश नारायण डायमंड, अंजनी कुमार झा रूबी, ये दोनों भाई जल्दी डायमंड बन रहे हैं। राम सागर प्रसाद डायमंड, ये भी डायमंड बनने वाले हैं। और अविनाश स्टेशन मास्टर डायमंड, और ये गणेश पॉल डायमंड, बिहार में भी डायमंड बना डाले भाई, लाइन लगा दी है। दिल्ली, दिल्ली यहां पर जरा सा एक बिंदी दिखाई दे रही है इंडिया के नक्शे में, ये रही दिल्ली। संजय कुमार और ये सुजीत कुमार ऑलरेडी दो डायमंड बन चुके हैं, और आप में से कई टाइगर यहां बैठे होंगे जो दिल्ली में रहकर काम कर रहे होंगे। कितने लोग हैं, फिर आता है बिहार के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक पर लीडर है, मेरे को रिपोर्ट मिली है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, पर लीडर है, हमारी नॉलेज में आया है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, पर्ल बन चुका है। फिर उसके बाद बचा गोवा। गोवा में मैं सोच रहा था एक ही जगह बचेगी जहां पर हमारा काम नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने वो भी नहीं छोड़ा, एक सिल्वर वहां भी है, मेरे को पता चल गया एक सिल्वर गोवा में भी है, हमारा टाइगर रह के काम कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि वो यहां ज्वाइन किया उसने, गोरखपुर में क्रिश्चियन था वो, और वो जॉब करता था वहां पर, छुट्टी आया था गोरखपुर, यहां किसी ने ज्वाइन करा दिया, वहां रह के 50 की टीम तान दी उसने गोवा में, सही है। तो कर्नाटक का, फिर इधर नीचे आए साउथ इंडिया में, कर्नाटक आ गए। कर्नाटक में ये ट्रिपल डायमंड बनने वाले हैं, सोमा शंकर जी, इतना बड़ा काम कर दिया, इनके लिए जोर तालियां, बहुत दमदार लीडर हैं। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हैं ये, मैंने दोनों बीच में काटा नहीं है अभी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसमें ये टाइगर है तेलंगाना से, बहुत दमदार टाइगर है, और इसको देख के डर जाते हैं, सचमुच में टाइगर है ये, ऐसा कोई बंदा बसता नहीं इसके सामने कोई डीडी देने, अपने भाई साहब ले लो नहीं आप डांट मारना मारो ना, सरेंडर कर देते हैं। और ये एक रवि टाइगर है जो समुद्र में रह के काम करता है, विशाखापट्टनम बॉर्डर पे है विशाखापट्टनम, और ये टाइगर डेवी डायमंड बन गया, और ये मैराथन है चैंपियन बाघ मिल्खा बाघ, ये भी डायमंड बन गया, राधा कृष्ण, हाँ। तो ये ऐसे करके ढेर सारे डायमंड बन गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आप लोगों ने कईयों को इस डिस्ट्रिक्ट के नाम में नहीं मालूम होगा, यहाँ डायमंड बन रहे भाई साहब, और मैं गया नहीं हूं अभी तो एक बार भी, सही है। इसके अलावा ये एलन, ये आए थे तो इनकी भी बड़ी कहानी दिलचस्प है। जिम कॉर्बेट में राम दिशा ट्रेनिंग होनी थी आगरा में, वहां पर एक वेन्यू प्लान चलता था, वहां पर बस लगा दी थी, तो विकास जी ने फोन किया, महागुरु जी मेरे तीन टाइगर आ रहे हैं दिशा ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं भेज दो। तो वो थके आ रहे आए, रेलवे स्टेशन पर कोई रिसीव करने वाला नहीं, वो सोचे हमें कोई रिसीव करेगा वहां, तो बस में बैठ जाओ। और बस की कंडक्टर वाली सीट में मैं बैठा था, और उनको मालूम नहीं थी मुझे दिशा ट्रेनिंग देनी है,
तो वो संगी जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रमोट किया, बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी ट्रेनिंग मिलेगी, वो गजब होगा और जिंदगी बदल जाएगी। इन्होंने ज्वाइन ज्वाइन किया था और बस से कंडक्टर सीट पे मूंगफली खाते हुए साथ में आ रहे थे। इन्हें मालूम ही नहीं कि यही ट्रेनिंग देने वाले हैं, सही है। और फिर वहां जाकर के हॉल में एंकर ने किया, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली दिशा ट्रेनिंग शुरुआत होने जा रही है और हमारे बीच में ट्रेनर आ गए और मैं इधर आ गया। बोले ये कंडक्टर इधर क्या कर रहा है? बोले यार ये तो कंडक्टर साहब है उधर ही। बोला कंडक्टर नहीं है, यही हमारे महागुरु जी हैं। बोला अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं। तो उधर साहब जाकर ट्रेनिंग हुई और बोला यार तो भागने के चक्कर में था और चार दिन के बाद वो कमिटमेंट देके गया बंदा, बोला जाके महागुरु जी मैं कमिटमेंट करता हूं साला डायमंड बनकर दिखाऊंगा 2 से 3 साल के अंदर। और जॉब से रिजाइन किया, उसी दिन के बाद ट्रेनिंग में इतना असर हुआ टाइगर ने डायमंड बनकर दिखा दिया चेन्नई से तमिलनाडु चेन्नई से। और एक ये अरुल है ये भी डायमंड बन गया, 2 डायमंड तमिलनाडु से, 2 डायमंड। इसके अलावा केरला बचा, ये समुद्र पे एक छोटी सी पतली सी लकीर बची थी केरला। हमको सोचा ये केरला में भी कोई नहीं होगा, लेकिन केरला में गोल्ड लीडर है मिस्टर अजनेर जयलील एर्नाकुलम से, केरला में ये टाइगर काम कर रहा रह करके और दमदारी से वेन्यू चलाता है वहां पर। इसके अलावा ये उड़ीसा में है मुरलीधर मेहता, बीएसएफ का जवान है ये और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट से है, उड़ीसा में रहकर काम कर रहा है। 700 की टीम है यहां पर, 3 सिल्वर की रिपोर्ट मेरे को मिली है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। झारखंड में पहुंचे रांची में रहकर महेंद्र सिंह धोनी जी के यहां पर अड्डा जमा के बैठा है। और ये रूबी है, रूबी रांची में झारखंड, ये बंदे का नाम सांबल है शायद। इसके अलावा सांबल हाँ, और ये पीए राय दादा, बंगाली दादा, हमने सोचा कलकत्ता में कोई बना के नहीं बना, कलकत्ता पकड़ा बंगाली दादा को ज्वाइन करा दिया, ये डायमंड बना दिया राय साहब को। और एक टाइगर है ये सिक्के वहां से दार्जिलिंग से, तारा कुमार राय, ये बंदा रूबी बनने वाला है। और ये राजू है ये रूबी ऑलरेडी है डायमंड बनने वाला है। इन्होंने सिक्किम में और यहां पर लाइन लगा कर रखी हुई दार्जिलिंग में बहुत बड़ा काम कर दिया है। फिर बच्चा सिक्किम देखो, सिक्किम कहां है इसमें इंडिया नक्शे में, ये रहा चाइना और ये सिक्किम, मतलब एक दोनों मिले हुए हैं तो बॉर्डर पे हैं। और एक तरह का चाइना ही की पूरी पहाड़ है और कुछ नहीं, यहां पर पूरा जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो सेकंड लार्जेस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की, आपको मालूम माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, माउंट एवरेस्ट के बाद में कौन सा आता है, कंचनजंगा ही आता है। तो कंचनजंगा पे ही रहते हैं ये लोग, मान लो ऐसे मान लो पहाड़ों पे ही। और सिक्किम से भी एक लेडी है देवी माया राय, इसने काम करके टोपाज बन गई है। ऐसी जगह पर जहां 24 आवर बर्फ रहती है, ऐसी जगह पर भी हमारे टोपाज बन चुके हैं जहां मैं अभी तक गया नहीं हूं। और इसके अलावा फिर बचा ये आसाम, आसाम देखो यहां पर इंडिया के नक्शे में ये रहा पीला दिख रहा है, देख रहा है ना 500 इनकी क्या नाम है देवू जी की टीम, अरुणाचल और आसाम दोनों जगह। अच्छा देवू ग्वाला है, इनका फोटो आया मेरे पास, आसाम सिल्वर स्टार बन चुके हैं। और एक टाइगर है फिरोजाबाद में रहकर काम कर रहा था, तो इसकी टीम में किसी ने ज्वाइन किया और ये अभी प्रेजेंट में एमराल्ड बन रहा है और ये वहां जाकर काम करना शुरू किया इस टाइगर ने, आसाम में रहकर सिटी हाउस बनकर काम कर रहा है। और एक पर्ल 2 गोल्ड 5 सिल्वर स्टार वहां बन चुके हैं आसाम में। इसके बाद मेघालय, मैं सोचा यहां तो कोई नहीं होगा और यहां मालूम पिछला कि अर्जुन सिंह है और जो शिलोंग में रहकर काम कर रहा है राजधानी में और रूबी बन चुका है ये अर्जुन सिंह, मेघालय में रहकर काम कर रहा है। इसके अलावा देखो कहां पहुंच गए, बाहर विदेशों में पहुंचना शुरू हो गए, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में 250 की टीम बन गई है। इसके अलावा नागालैंड, ये रहा इधर नागालैंड समुद्र पे, तो ये नागालैंड है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर स्टार है नागालैंड में। इसके अलावा मणिपुर में 2 गोल्ड। इसके अलावा मिजोरम, ये आगे नीचे, तो मिजोरम में 2 सिल्वर स्टार। इसके अलावा ये बचा जरा सी जगह बची थी त्रिपुरा, और यहां पर 9 रिपोर्ट है, सिर्फ एक ही जगह, मैंने बोला था एक जगह बची है जो बच गई है। और मुझे मालूम है कोई ना कोई टाइगर जरूर निकलेगा, मुझे डायमंड से पूछना है कि त्रिपुरा में कोई काम टीम तो नहीं है अपनी, सही है जी। अगरतला में हाँ, वहां की जो राजधानी है अगरतला, ये रही वहां पे बंदे तो खैर यूपी और अपने बिहार के, लेकिन आर्मी में पोस्टेड है वो लोग, वहां से भी डीडी भेजते रहते हैं। ये भी छूटी छूट रही थी, लेकिन ये भी नहीं छूटी, बधाई हो, ये भी वहां से खबर हो गया। पीके सिंह जी हैं और कई सारे लोग हैं जो अगरतला में रहकर के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वहां पे। हाँ हाँ कर दीजिए, सही है। तो इस तरह से दोस्तों पूरा इंडिया नप गया, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें अभी पूरा इंडिया नहीं, एक जगह बच गई इंडिया में अभी भी, और इंडिया कवर हुआ।